सीएनजी और पाइपलाइन वाली घरेलू रसोई गैस यानी कि पीएनजी की कीमतों में 6 रुपए तक की कटौती कर दी गई है। ये करीब 2 साल में गैस कीमतों में हुई पहली कटौती है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने खुद ट्वीट के जरिए सोशल मीडिया पर ये जानकारी साझा की। उन्होंने लिखा, सीएनजी और पीएनजी उपभोक्ताओं को राहत, घरेलू उत्पादित प्राकृतिक गैस के मूल्य निर्धारण पद्धति को संशोधित करने के कैबिनेट के फैसले के परिणाम स्वरूप दिल्ली और यूपी, हरियाणा और राजस्थान के कई शहरों में इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड द्वारा सीएनजी की कीमत में लगभग 6 रुपए प्रति किलोग्राम और घरेलू पीएनजी की कीमत में 5 रुपए प्रति एससीएम की कटौती की गई है। ये बहुत अच्छा है ना, हम लोग के लिए फायदेमंद हो गया ना, सवारी के लिए भी दिक्कत नहीं होगी। अब जो 20 रुपए ज्यादा जो लगता था, 5 रुपए कम हो गया, तो हर आदमी के लिए सुविधा है। अच्छा ये बताइए कि पहले भी भरवा रहे थे सीएनजी, अब भरवाएंगे तो कितना फर्क पड़ जाएगा? बहुत फर्क पड़ेगा, 5 रुपए कम होने से बहुत हो गया, हम लोग के लिए बहुत फायदेमंद हो गया ना। पीछे हम लोग देखते लगातार सीएनजी के दाम बढ़ते जा रहे थे, और जो है ये 5 रुपए की गिरावट है, जेब पे असर पड़ता दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं जो है राहत मिलती दिखाई दे रही है? राहत तो है भैया, 5 रुपए सीएनजी कम हुआ है, तो क्या कहना चाहेंगे, जेब पे कहीं राहत पड़ती दिखाई दी? नहीं सर, कोई फर्क नहीं पड़ा इससे, थोड़ी और होना चाहिए था, 5 रुपए तो कोई फर्क नहीं, तो वैसा ही है जैसा पहले था। अच्छा 5 रुपए की गिरावट आई है, पहले भी सीएनजी भरवा रहे थे, आज भी भरवाएंगे? जी जी। कहीं ना कहीं आपको दिखा कि ज्यादा फर्क पड़ने वाला है? हाँ लग रहा था कि ज्यादा पड़ेगा, लेकिन ज्यादा पड़ा नहीं, ऐसा कुछ फर्क हुआ नहीं, फर्क नहीं पड़ा, नहीं पड़ा। बता दें, सरकार ने एक दिन पहले ही प्राकृतिक गैस की कीमत निर्धारण करने का नया फॉर्मूला लागू किया था। उस फैसले के बाद राष्ट्रीय राजधानी में सीएनजी और पीएनजी की कीमतें कम हुई हैं। दिल्ली में सीएनजी और पाइपलाइन गैस की खुदरा बिक्री करने वाली फर्म इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने एक ट्वीट में कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सीएनजी की कीमत 79.56 रुपए प्रति किलोग्राम से घटाकर 73.59 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। IGL के अनुसार इसी तरह दिल्ली में पाइपलाइन वाली घरेलू रसोई गैस की कीमत 53.59 प्रति मानक घन मीटर से घटकर 48.59 रुपए प्रति SCM हो गई है। नई कीमतें 9 अप्रैल से लागू होंगी। न्यूज एजेंसी PTI द्वारा जारी किए गए आंकड़ों से पता चलता है कि गैस कीमतों में 2 साल में लगभग 50% वृद्धि होने के बाद ये कटौती की गई है। सीएनजी कीमतें अप्रैल 2021 से दिसंबर 2022 के बीच 15 बार बढ़ाई गई। अप्रैल 2021 के बाद सीएनजी की कीमतों में प्रति किलोग्राम 36.16 रुपए की वृद्धि हुई है। सीएनजी की कीमत अंतिम बार 17 दिसंबर 2022 को बढ़ाई गई थी। इसी तरह पीएनजी की कीमत की बात करें तो ये 7 अगस्त 2021 से 8 अक्टूबर 2022 के बीच 10 बार बढ़ाई गई। इसकी कीमतों में 24.09 रुपए प्रति SCM यानी 81% वृद्धि हुई। IGL ने कहा कि दिल्ली में सीएनजी और पीएनजी की खुदरा कीमतें देश में सबसे कम स्तर पर हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करें।